आज हम आपको एक ऐसे मैच और एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो विकट परिस्थितियों में भी टीम को जिताने के लिए जी जान लगा दिया था। उसने यह भी कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी भारत ही जीते। भारतीय टीम का यह खिलाड़ी जब मैदान में उतरा तो टीम को चाहिए थे रन और खिलाड़ी को हो रही थी उल्टी, लेकिन उसने हार नहीं माना। इसीलिए कहते हैं महान कोई यूं ही नहीं बन जाता, उसके पीछे उसका जज्बा और उसकी मेहनत काम आती है। भारतीय टीम का यह खिलाड़ी जिसे हम सिक्सर किंग के नाम से जानते हैं उसके क्षेत्ररक्षण की मिसाल दी जाती है, लेकिन जब वह खिलाड़ी बल्ला पकड़कर मैदान में उतरता है तो बस एक ही नाम पवेलियन से सुनाई देता था, यूबी यूबी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह के बारे में। और वह मैच था 20 कप 2011 का आखिरी लीग मैच जिसे जीत कर भारत दक्षिण अफ्रीका से मिले हार को भुलाना चाहता था। भारत का आखिरी लीग मैच वेस्ट इंडीज के साथ था। हालांकि इस लीग मैच से पहले ही भारत और वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। इस मैच में वेस्ट इंडीज की तरफ से कई बदलाव किए गए, तो वहीं भारत ने भी एक दो बदलाव के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। इस मैच की शुरुआत दोपहर के 2 बजे हुई। टॉस जीतने में अव्वल माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत हुई और भारत के सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर सस्ते में पवेलियन चले गए। इस मुश्किल हालात में विराट कोहली और युवराज सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 122 रन की शानदार पारी खेली और भारत को उस भंवर से दूर निकाला। लेकिन युवराज सिंह को विराट भी लंबे समय तक साथ न दे सके और 59 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन चले गए। लेकिन युवराज सिंह कहां मानने वालों में से थे, एक छोर पर टिके रहे। युवराज के इसी पारी के दौरान मैदान में ही कई बार उल्टियां हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जारी रखा। कई बार उन्हें रिटायर हट होने का भी सलाह दिया गया, लेकिन युवराज सिंह कहां मानने वालों में से थे। इस मैच में युवराज सिंह ने 123 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 113 रन की शानदार पारी खेली। यूबी के शतक के बदौलत ही भारत 268 रन तक पहुंच पाया। इस समय की जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उसके लिए 268 रन का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी एक न चली और यह मैच भारत 80 रनों से जीतने में सफल रहा। इस मैच के बाद बोलते हुए युवराज सिंह ने कहा कि पहले मुझे लगा था कि उल्टी मुझे गर्मी की वजह से हुई, मैं 56 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा था, लेकिन वीरू वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो फैसला किया कि ऊपर आऊंगा और बड़ा स्कोर करूंगा। जब चेन्नई में शतकीय पारी के दौरान उल्टी हुई तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, जो भी हो अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वर्ल्ड कप भारत ही जीते। अब जरा याद करिए 2011 के विश्व कप का फाइनल। भारत 28 साल के बाद विश्व कप को जीतने में दूसरी बार कामयाब रहा। इस पूरे विश्व कप में युवराज सिंह का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। यूबी ने विश्व कप के दौरान 362 रन बनाए तो वहीं 15 विकेट भी अपने नाम किया। इसके बाद वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। इसी विश्व कप के बाद पता चला कि युवराज सिंह को कैंसर है और वे इससे जूझते हुए पूरे विश्व कप में खेलते रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि खिलाड़ी महान तभी बनता है जब वह जज्बा और मेहनत से खेलता है। यूबी ने यहां दिखा दिया कि वो एक महान खिलाड़ी थे। तो चलिए चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि युवराज सिंह की कौन सी पारी आपको सबसे प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।